गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरू करते हैं जहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का पीछे के एक्सरसाइज आप लोग कर चुके होंगे। अब क्या है, आज कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया गया था, इस बार भी अवेलेबल कराया जाएगा और आई होप आप वहाँ पे जाकर के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, मेनी नाउन्स कैन बी यूज एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स यूजली विद अ डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे। यानी शब्द सेम होगा बट हो सकता है उस शब्द की एक से अधिक मीनिंग हो। एक मीनिंग के आधार पे वह काउंटेबल हो जाएगा, यानी उसे गिन सकते हैं। एक मीनिंग के आधार पे उसे नहीं गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, डिड यू हियर अ नॉइज जस्ट नाउ। तो यहाँ पे नॉइज जो शब्द है उसके साथ हमने ए लगाया, यानी पे यहाँ पे उसे गिन रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब एक स्पेसिफिक नॉइज की बात हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप घर में बैठे हुए, एकाएक कहीं बर्तन गिरा और बगल के कमरे से माँ आकर के बता रही, अभी कुछ गिरा ना, कोई आवाज हुई। तो वहां पे जो आवाज की बात हो रही है वो एक स्पेसिफिक नॉइज की बात हो रही है। तो वहां पे गिनेंगे, बगल में देख रहे हैं, वही शब्द है हमारा नॉइज, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। आई कांट वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। देर इज टू मच नॉइज, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। किस तरह का शोर है इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है नॉइज इन जनरल। तो यह सेम शब्द है लेकिन हो गया अनकाउंटेबल। फिर आगे देखते हैं, आई बाउट अ पेपर, यहाँ पे जो हमारा शब्द है वह पेपर है। आई बाउट अ पेपर टू रीड, हमने एक पेपर खरीदा पढ़ने के लिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में न्यूज़पेपर को आप पेपर बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे पेपर की मीनिंग अलग है, यहाँ पे पेपर का मतलब है न्यूज़पेपर। तो यह काउंटेबल नाउन है। ठीक उसके उलट देखिएगा, सामने में एक उदाहरण है, आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, मुझे लिखने के लिए कागज चाहिए। यहाँ पे कागज मटेरियल नाउन है, इसको गिनेंगे नहीं। ठीक है, कागज ऐसे भी गिना नहीं जाता, उसे मापते हैं या फिर तौलते हैं। आप पेजेस गिन सकते हैं, कागज नहीं गिन सकते हैं। तो मटेरियल है तो इसलिए इसको कैसे अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। नीचे है, भगवान ने करे ऐसा आपका अनुभव हो, लेकिन अगर कभी आपको खाने में बाल मिलता है तो गिन सकते हैं ना। तो बोलेंगे देर इज अ हेयर इन माई सूप, मेरे सूप में या मेरे खाने में एक बाल निकला। तो यहाँ पे वन सिंगल हेयर, तो यहाँ पे गिन सकते हैं। लेकिन जो सर पे बाल होते हैं उनको गिन के ट्रीट नहीं करते हैं, उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग बोलते हैं यू हैव गॉट वेरी लॉन्ग हेयर, तुम्हारे बाल काफी लंबे हैं, न कि हेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हेयर जो शब्द है उससे किस चीज का बोध हो रहा है, ऑल द हेयर ऑन योर हेड, आपके सर पे जितने बाल हैं उन सभी का। आगे है, यू कैन स्टे विद अस, देर इज अ स्पेयर रूम। तो यहाँ पे हम लोग रूम शब्द की बात करें, यहाँ पे ए के साथ उसका यूज किया गया है, यानी इसे गिन सकते हैं। यहाँ बात हो रही है कमरे की, यू कैन स्टे विद अस, आप हमारे साथ रुक सकते हैं। देर इज ए स्पेयर रूम, एक अतिरिक्त कमरा है। यहाँ पे जिस रूम की बात हो रही है वह रूम चार दीवारों से घिरा हुआ जो जगह होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रूम। ठीक, इधर रूम का फिर से इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जगह की, क्षेत्रफल की बात हो रही है। यू कांट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, देर इज एन रूम, जगह नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आप यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, एक ही शब्द है रूम, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल था और दूसरे एग्जाम्पल में हमने उसको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पे ए लगा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, जैसे कि पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है तो उसके साथ कुछ नहीं लगेगा, गिनती वाला कोई टर्म नहीं लगेगा। नीचे है, आई हैड सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग। यहाँ पे एक्सपीरियंस शब्द का आपने प्लूरल किया है, यानी आपको लगता है कि आप उसे गिन सकते हैं। तो एक्सपीरियंसेस क्या मतलब है, वो घटनाएं जो आपके साथ होती हैं। हम लोग बोलते हैं ना अच्छे अनुभव बुरे अनुभव, प्लूरल की तरह आप यूज करते हैं। अच्छे अनुभव, एक से अधिक अनुभव, बुरे अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव। तो आपके साथ जो घटनाएं होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। और यह जो एक्सपीरियंस है इसे गिन सकते हैं। इसके ठीक उलट, अगर आप कोई कार्य करते हैं और काफी दिनों तक करते हैं तो इसको करने से जो अनुभव प्राप्त होता है उस एक्सपीरियंस को गिन नहीं सकते, इसकी मात्रा घटती या बढ़ती। अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं 6 साल पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अनुभव होगा। अगर मैं 7 साल पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अनुभव होगा, 10 साल पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा अनुभव होगा। तो इस एक्सपीरियंस को हम लोग मेजर करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो यह शब्द हो गया अनकाउंटेबल। यहाँ पे हम एक फ्रेज यूज कर रहे हैं, एंजॉय योर ट्रिप, अपने ट्रिप का मजा लेना, हैव अ गुड टाइम। हैव अ गुड टाइम का ही मतलब होता है मजा लेना। तो यहाँ पे टाइम को शायद हम काउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो ए लगा है, जबकि दाहिनी तरफ में समय है। आई कांट वेट, आई डोंट हैव टाइम, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं। यहाँ पे यह जो शब्द है टाइम, यह अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हुआ है। इसको मापते हैं, कैसे मापते हैं, सेकेंड में, मिनट में, घंटों में, गिनते नहीं है। आगे आते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्द जो होते तो अनकाउंटेबल हैं
लेकिन तब जब उनको आप सामान्य अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उनको एक इकाई की तरह ट्रीट किया जाए, यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए, तो उसे काउंटेबल कहेंगे। जैसे अगर मुझे कॉफी नहीं पसंद है तो हम बोलेंगे आई डोंट लाइक कॉफी, यानी कॉफी जो चीज़ है, जो मटेरियल है, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हम उसे ए कॉफी कहते हैं या टू कॉफीज कहते हैं जब हम उसको यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, बोलते हैं यार दो चाय लाना या दो कॉफी लाना, तो यहाँ पे इकाई की तरह बात कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाता है, वो काउंटेबल हो जाता है। जैसे बोलेंगे चार लस्सी देना, एक चाय देना और दो कॉफी देना, तो यहाँ पे आप गिन रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही यूनिट की, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नीचे में इस बॉक्स में कुछ ऐसे नाउन दिए गए हैं जो सामान्यतः हम लोग अनकाउंटेबल की तरह ही ट्रीट करते हैं। इन शब्दों को हूबहू देख लेना है, आगे में इनको हम फिर पढ़ेंगे। शब्द है अकोमोडेशन, बिहेवियर, ब्रेड, केओस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, वर्क, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इनके साथ आप ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाई सम ब्रेड, मैं ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको गिनना है तो आप एक फ्रेज यूज कीजिए, अ लोफ ऑफ ब्रेड या अ पैकेट ऑफ ब्रेड। यहाँ पे लोफ या फिर पैकेट को गिनेंगे, ब्रेड यहाँ पे अनकाउंटेबल रहेगा। हम नॉट अ ब्रेड कहने का मतलब है अ ब्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे। एंजॉय योर हॉलीडे, अपने हॉलीडे पे मजे करना। आई होप यू हैव गुड वेदर, मैं आशा करता हूँ कि मौसम अच्छा रहे। मौसम गिन नहीं सकते, इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि अ गुड वेदर। तो फिर नीचे में और कुछ नाउन है जिनका हम लोग प्लूरल नहीं यूज करते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू पुट ऑल योर फर्नीचर, अपना फर्नीचर रखोगे कहाँ, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे। लेट मी नो इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे बताना अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए होगी, मात्रा की बात हो सकती है, इन्फॉर्मेशन करके नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक हम ऐसा शब्द देखने जा रहे हैं जिसकी स्पेलिंग से यह आभास होता है कि शायद यह प्लूरल है। क्यों? क्योंकि अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में एस या ई एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बट न्यूज़ के साथ ऐसा नहीं, यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग देख के लगता है कि इसके अंत में एस है, लेकिन यह प्लूरल नहीं है, है यह अनकाउंटेबल नाउन। तो हम बोलेंगे द न्यूज़ वाज वेरी डिप्रेसिंग, बहुत ही उदास करने वाला या निराश करने वाली खबर थी, ये नहीं बोलेंगे कि द न्यूज़ वर, ठीक है। ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन जनरल, यानी आना जाना कहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम इसको अ ट्रैवल नहीं बोलेंगे। और लेकिन हाँ अ ट्रिप या अ जर्नी बोल सकते हैं, यानी एक पार्टिकुलर कोई यात्रा आप करते हैं, जैसे पटना से आप दिल्ली गए या फिर दिल्ली से आप जयपुर गए, तो उसको बोलेंगे अ ट्रिप या अ जर्नी, ट्रैवल नहीं बोलेंगे अ ट्रैवल। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रैवल, ठीक है, वो यात्रा पे बहुत, यानी कहीं आने जाने पे काफी पैसे खर्च करते हैं, ट्रैवल इन जनरल अनकाउंटेबल नाउन। वी हैड अ वेरी गुड ट्रिप या जर्नी, कहने का मतलब कहीं आप गए, मतलब एक खास जगह से कहीं जा रहे थे और यह जो यात्रा थी वो काफ़ी अच्छी रही, तो बोलेंगे वी हैड अ वेरी गुड ट्रिप या जर्नी। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सामान्य शब्द हैं जिनकी मीनिंग कमोबेश एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन एक काउंटेबल है, दूसरा अनकाउंटेबल है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जॉब काउंटेबल नाउन। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं काम खोज रहा हूँ, काम काउंटेबल नहीं है, इसलिए ए वर्क लिखना गलत हो जाएगा। वाट अ ब्यूटिफुल व्यू, कितना बढ़िया दृश्य है। वाट ब्यूटिफुल सीनरी, व्यू को गिन सकते हैं, सीनरी को नहीं गिन सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? तो व्यू एक सदिक हो सकता है, जैसे आप बीच पे खड़े हैं, आप समुद्र की तरफ अपना मुंह कर लीजिए, अपना चेहरा कर लीजिए, आप समुद्र को फेस कीजिए तो आपको अलग दिखेगा। अगर आप समुद्र की तरफ पीठ कर ले तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा। बट सीनरी कहने मतलब वहाँ पे जो चीज़ें वहीं रहेंगी, उतने ही पेड़, उतना ही पानी, वैसा ही समुद्र, वैसा ही समुद्र का किनारा। इट्स अ नाइस डे टुडे, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। तो यहाँ पे डे का प्रयोग किया है तो आप ए लगाएंगे, लेकिन यही अगर हम बोलेंगे इट्स नाइस वेदर टुडे, आज बहुत बढ़िया मौसम है, तो वेदर नहीं गिन सकते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ बैग्स इन केसेस, हमारे पास कई सारे बैग्स थे, कई सारे थैले थे, बैग्स गिन सकते हैं, केसेस गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं बैगेज या लगेज तो उन्हें गिन नहीं सकते। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित रूप से बैगेज या लगेज बोलते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। दी चेयर्स आर माइन, आप चेयर गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, बेड गिन सकते हैं, सोफा गिन सकते हैं, लेकिन सम्मिलित रूप से इन चीजों को फर्नीचर कहते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। दिस फर्नीचर इज माइन, दैट्स अ गुड सजेशन, ये काफी बढ़िया सलाह रही। सजेशन जो शब्द है वो उसको गिन सकते हैं, दैट्स गुड एडवाइस, ये भी अच्छी सलाह है, बट एडवाइस जो शब्द है उसे गिन नहीं सकते हैं।
ठीक है। आपको अगर लगा कि थोड़ा जल्दी हो गया तो फिर से पीछे जाना है, रिवाइंड कर लेना है और इसको दोबारा सुनना है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। डिस्कशन अगली वीडियो में हो जाएगा, बट क्वेश्चंस बनाने कैसे ये समझा देता हूँ आपको। और इसकी पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि आपको वही जो चैनल है वहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके सवाल बना लीजिए, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो पहला सवाल है, डिड यू हियर नॉइज़? तो यहाँ नॉइज़ होगा या अनॉइज़ होगा जस्ट नाउ? तो अनवाइज होगा, ये बना करके एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। एक शोर हुआ था, एक आवाज आई थी, तुमने सुनी क्या? नो आई डिडेंट हियर एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सुना। अनवाइज यहाँ पे सही है। दूसरा सवाल है, इफ यू वॉन्ट टू नो द न्यूज, अगर तुम्हें खबर जाननी है, यू कैन रीड पेपर या अ पेपर? तो आप बताइए, तो यहाँ पे कागज पढ़ना है या अखबार? तो अखबार अगर पढ़ना है तो अखबार गिन सकते हैं, तो सही आंसर होगा अ पेपर, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल बनाइए और देखिए दो ऑप्शंस में से कौन सा होगा, इसको बना करके रखिए, आगे जब डिस्कशन होगा तो उसमें हम इन सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। ऐसे 15 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है जो आपने पीछे थ्योरी पोर्शन में यहाँ पे शब्द देखे थे, इन शब्दों को हमने कहा था कि ये सभी सामान्यतः अनकाउंटेबल होते हैं। आपको इन्हीं शब्दों को इस दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप वाक्य की मीनिंग सही समझेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे रौनक इज अनएम्प्लॉयड, रौनक बेरोजगार है, ही कांट गेट, अगर वर्क होगा तो अनकाउंटेबल, जॉब है तो काउंटेबल। तो 7 नंबर में रौनक इज अनएम्प्लॉयड, ही कांट गेट अ जॉब, क्योंकि जॉब को गिन सकते हैं। 8 नंबर में रौनक इज अनएम्प्लॉयड, ही कांट गेट वर्क, क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें अनकाउंटेबल नाउन चाहिए, इसे भी बना लेंगे। फिर यहाँ पे यह जो सेक्शन है, सेक्शन बी जो है, इसमें जितने शब्द हैं इन्हीं का प्रयोग करके आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। देखिएगा मैं क्वेश्चन को यहाँ ला करके आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप पॉज करके क्वेश्चन जो सेकंड सेगमेंट है उसको बना सके। इसको पॉज कर लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर बन जाएगा। 3 नंबर पे आइए, स्टैटिक रखता हूँ स्क्रीन को। इसमें देखिएगा जो शब्द आपने वहाँ बॉक्स में देखे उन्हें ही भरना है। यू गो इनटू द टूरिस्ट ऑफिस, आप टूरिस्ट ऑफिस में जाते हैं, किसी शहर में आप घूमने गए हैं वहाँ टूरिस्ट ऑफिस जाते हैं। यू वॉन्ट टू नो अबाउट प्लेसेस टू सी इन द टाउन, आप उन जगहों के बारे में जानना चाहते हैं जो शहर में घूमने लायक हैं। तो आपको क्या चाहिए, आई वुड लाइक सम इन्फॉर्मेशन।